दोस्तों, आज मैं आपको सिल्वेस्टर स्टैलन की परसेवरेंस की एक कहानी बताता हूँ। रॉकी फिल्म से पहले उन्हें बहुत सालों तक रिजेक्शन और दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक्टिंग रोल के लिए ऑडिशन देते हुए उनके हालात इतने खराब हो गए थे कि गुजारा करने के लिए उन्हें अलग अलग छोटी बड़ी नौकरी करनी पड़ती थी। अपने सबसे मुश्किल वक्त में स्टेलोन इतने परेशान थे कि उन्हें अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े और अपने प्यारे कुत्ते को भी बेचना पड़ा, क्योंकि उनके पास उससे खाना खिलाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। फिर एक दिन उन्हें रॉकी फिल्म का आइडिया आया और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। उन्होंने प्रोड्यूसर से फिल्म बनाने के लिए कॉन्टैक्ट किए और एक कंडीशन रखी कि वो खुद लीड रोल करेंगे। पर कोई भी प्रोड्यूसर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद वो कोशिश करते रहे। और सब उम्मीदों के खिलाफ रॉकी फिल्म बनी और ब्लॉकबस्टर हिट हुई, जिसने स्टेलन के शानदार करियर की शुरुआत की और यह प्रूव किया कि लगातार कोशिश से कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। सड़क से लेकर स्क्रीन तक स्टेलोन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम कभी हार ना माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूर जोर से कोशिश करें। खुद पर यकीन रखें, दूसरों से ज्यादा मेहनत करें और कोशिश के साथ हर मुश्किल को पार करें।